आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शुमार चेन्नई सुपर किंग्स का मौजूदा सीजन में सफर अब तक बेहद खराब रहा है। उसने 6 मैचों में से 5 मैच हारे हैं। टीम इस बार दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की बजाय रविंद्र जडेजा की कप्तानी में खेल रहे हैं। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ चेन्नई की हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने रविंद्र जडेजा की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। वॉन ने कहा है कि धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने कभी इस तरह से कड़े मैच नहीं गंवाए हैं। पुणे के एमसी स्टेडियम में चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए, जिसके बाद गुजरात ने डेविड मिलर की दमदार पारी की बदौलत 7 विकेट खोकर एक गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात ने 7 विकेट 48 रन तक गंवा दिए थे, लेकिन बाद में मैच आखिरी ओवर तक गया और डेविड मिलर ने जीत दिला दी। वॉन का मानना है कि अगर धोनी कप्तानी संभाल रहे होते तो मैच आखिरी ओवर तक ही नहीं जाता। उन्होंने कहा है कि धोनी विरोधी टीम को खेल में वापसी का कोई मौका ही नहीं देते हैं। वॉन ने साथ ही धोनी की मैदान पर फील्ड सेट करने की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने क्रिकबज से कहा, एक नए कप्तान के रूप में आप मुश्किल मैच जीतना चाहते हैं। ये एक कड़ा मैच नहीं था और उन्होंने इसे गंवा दिया। चेन्नई को उस मैच को आसानी से 10 या 15 रन से जीत लेना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि अब क्या होगा। मुझे याद नहीं है कि एमएस धोनी को कभी इस तरह से कोई मैच हारते हुए देखा है। अब कभी भी धोनी की कप्तानी में टीम को एक मुश्किल मैच में हारते हुए नहीं देखे होंगे, बस इसे आखिरी ओवर तक नहीं जाने देते। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अगर इस मैच का कप्तान धोनी होते तो क्या इस मैच को आसानी से जीत लेते थे? आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू।